So, dear students, wish you all a happy and prosperous new year 2021. आज के दिन जो है नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को हर साल मनाया जाता है हमारे देश में, और इस शुभ अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ. मकसद ये था कि इस दिवस पर जो है विद्यार्थियों के साथ रूबरू हुआ जाए, और मैंने प्रोफेसर सुरेंद्र ठाकुर को ये रिक्वेस्ट की थी कि एनएसएस वॉलंटियर्स और साथ में उनके अपने जो स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के या बाकी विद्यार्थी भी जो है वो इस दिवस को जो है वो ऑनलाइन ऑब्जर्व कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं. तो इस सिलसिले में मेरी बात हुई और हमने ये डिसाइड किया कि बच्चों की ओर से कुछ डेलीब्रेशन जो हैं स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के बारे में, फिलॉसफी और टीचिंग के बारे में, उसको हाईलाइट किया जाए. और जैसा आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है एक ग्रेट लीडर और ग्रेट इंडियन यूथ आइकॉन के रूप में जाने जाते हैं, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है पूरे भारतवर्ष में. और 12 जनवरी के दिन जो है यूथ डे के दिन आप सभी जानते हैं कि स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि जो विशेषकर युवा वर्ग को जो है स्वामी जी के व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिले. बहुत सारी कोटेशंस स्वामी जी के बारे में आप जानते हैं कि आपने पढ़ी होंगी. आप एक बहुत फेमस कोटेशंस है, आगे बढ़ो जब तक लक्ष्य आपको ना मिल जाए. तो स्वामी जी का जो व्यक्तित्व था, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा युवा वर्ग जो है वो क्या लेसन जो है वो स्वामी जी के पर्सनैलिटी से सीख सकते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि स्वामी जी का अपना जो जीवन था उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, जैसे करज था, साहस, धैर्य, आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी और निरंतर प्रयास. स्वामी जी ने इन करैक्टर्स के बारे में ज़्यादा फोकस किया है और युवा वर्ग से आह्वान किया है कि वो अपने व्यक्तित्व में इन क्वालिटीज़ को इनकल्केट करें. सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्वामी जी ने साहस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है. शारीरिक साहस भी होता है और एक नैतिक साहस होता है. आजकल हमारे युवा वर्ग में भले ही शारीरिक साहस हो लेकिन नैतिक साहस की बहुत कमी देखने को मिल रही है. और नैतिक साहस का मतलब होता है कि जो उचित और न्याय संगत है उसके लिए मजबूती से खड़े होने के लिए को हम नैतिक साहस बोलते हैं. और ये जो युवा वर्ग है उनको अपने अंदर ये क्वालिटी जो है वो नैतिक साहस की अपनानी चाहिए. और मानसिक धैर्य, मानसिक धैर्य मीन्स वो कुशलता है जो किसी भी व्यक्ति को उसके सामान्य व्यवहार, बुरी आदतें, चिंताओं तथा कष्टों से छुटकारा पाने में सक्षम बनाती हैं. आप देखते हैं कि हमारा युवा वर्ग जो है बहुत सारी कुरीतियों में जकड़ा हुआ है, जैसे ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है. ये सारी कुरीतियों से बाहर निकलने के लिए मानसिक धैर्य का होना युवा वर्ग में बहुत जरूरी है. स्वामी जी ने जो एक निरंतर प्रयास के बारे में काफ़ी जिक्र किया है, और ये जो निरंतर प्रयास का जो गुण है वो हमारे विद्यार्थियों में होना चाहिए. मीन्स असीम साहस तथा पवित्रता, बाधाओं और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की जो कुशलता है उसी को जो है वो निरंतर प्रयास कहते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कोट किए जा सकते हैं. जिस तरह थॉमस एडिसन के बारे में आप जानते हैं कि 1000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जाके जो है उनको सफलता मिली, तो कई बार हमारा युवा वर्ग जो है थोड़ी सी असफलता को देखने के बाद जो है वो आगे प्रयास करना छोड़ देता है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं. तो यहाँ पर जो निरंतर प्रयास है, जीवन में लगातार प्रयास करते रहें तभी आप सफलता की ओर जो है वो अग्रसर हो सकते हैं. स्वामी जी ने इंटेग्रिटी के ऊपर, सत्यनिष्ठा के ऊपर काफ़ी जोर दिया कि एक व्यक्तित्व जो है वो तभी महान कहलाता है जब
किसी के अंदर जो है वो सत्य का पालन करने की क्षमता जो है वही सत्यनिष्ठा कहलाती है। तभी तो हम कहते हैं कि सत्यनिष्ठा जो है वो सर्वोत्तम नीति है। आप ये कह सकते हैं कि जो इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी जो है वो ट्रुथफुल होनी चाहिए, तभी जो है आपका व्यक्तित्व जो है वो महान हो सकता है। सहनशीलता, टॉलरेंस, टॉलरेंस का गुण जो है वो भी उसकी जो क्वालिटी है वो भी हमारे युवा वर्ग के पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में जो है वो दिखनी चाहिए। बहुत सारी बुक्स जो है वो स्वामी जी के व्यक्तित्व के बारे में लिखी गई हैं, और मैं तो ये विद्यार्थियों से आह्वान करूंगा कि कम से कम 1 महीने में एक पुस्तक जो है वो महापुरुषों की पढ़नी चाहिए, उनकी जीवनी से हमें सीख लेनी चाहिए। और स्वामी जी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट जिस क्वालिटी के बारे में युवा वर्ग से आह्वान किया है वो है मेधा शक्ति, इंटेलेक्चुअल पावर। और इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो उसमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट आते हैं, जैसे तर्कशीलता, लॉजिक, कल्पना, इमेजिनेशन। ये कहा गया है इमेजिनेशन इज बेटर देन नॉलेज, अनुभूति, फीलिंग, अंतर्ज्ञान, लुक इनसाइड एंड इच्छा शक्ति, विल पावर। ये सारी चीजें जब हम क्लब करते हैं तो ये इंटेलेक्चुअल पावर जो है युवा वर्ग की जो है वो बढ़ती है। और ये बहुत सारे मैसेज जो है वो लेसन्स युवा वर्ग द्वारा जो है वो स्वामी जी की जीवनी को पढ़ने से उनसे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अगर हम समराइज्ड उसमें कहें कि आज बहुत सारी डेलिब्रेशंस बच्चों द्वारा की जाएंगी, स्वामी जी के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की जाएगी विस्तार पूर्वक, तो मैं तो ये कहूंगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। फेस द प्रॉब्लम विद करेज, कि अगर कोई मुसीबत आती है उसको साहस पूर्वक जो है उसका समाधान ढूंढना चाहिए। टेस्ट बिफोर यू ट्रस्ट, पाखंडवाद के घोर विरोधी थे स्वामी जी, कि ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए, फेथ होना चाहिए लेकिन ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट एंड रिफ्लेक्ट, स्वामी जी का मानना था कि इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर दिन, प्रतिदिन जो है कुछ टाइम निकाल के अपने अंदर जो है वो इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, ऑटो सजेशन, सेल्फ टॉक, कि आज का दिन कैसा रहा, मैंने कोई अच्छा काम किया या मेरे से कोई गलत काम हुआ तो क्यों हुआ। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है ये आत्म चिंतन, ये प्रतिदिन जो है कम से कम आप युवा वर्ग जरूर करें, ऐसा स्वामी जी जो है वो अपने उनकी बुक्स अगर आप पढ़ें तो उसमें उनका जिक्र किया गया है। थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच हो, बी प्योर, डू गुड टू अदर्स, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। और स्वामी जी का मानना था टेक रिस्क एंड लर्न फ्रॉम फेलियर, कि जिंदगी में रिस्क लेना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर बार बार असफलता मिल रही है तो असफलता से भी हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आगे हम किस तरह जो है सफलता को अपनाएं। तो फेलियर से अगर आप सीख नहीं लेते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहरहाल बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिसके बारे में हमारे विद्यार्थी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो नेवर स्टॉप लर्निंग, कि ये कॉलेज, क्योंकि इस बार तो कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन कॉलेज के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चलती हैं, बहुत सारी कल्चर एक्टिविटीज, एनएसएस की रिलेटेड एक्टिविटीज, रेंजर एंड रोवर्स, तो पर्सनैलिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम्स, मोटिवेशनल टॉक्स, ये सारा का सारा जो सीखने का जो समय होता है वो कॉलेज का होता है। कॉलेज की जो टीचिंग है वो स्कूल टीचिंग से टोटली डिफरेंट है। तो अंत में मैं ये कहूंगा कि सभी विद्यार्थियों को हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। बहरहाल आज के दिन जो है नेशनल यूथ डे के दिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अपनी डेलीब्रेशंस देंगे, और उन डेलीब्रेशन से जो है डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो नेशनल यूथ डे है, कि अगर यूथ ही, यूथ की जो सोच है वो सकारात्मक होगी तभी हमारा समाज जो है वो सही दिशा में जाएगा
और हमारा देश तभी आगे प्रगति करेगा। आप सभी जानते हैं हमारे देश की जो आबादी है 55% हमारे पास वाइब्रेंट यूथ पॉपुलेशन है, और वाइब्रेंट यूथ पॉपुलेशन का मानना है कि अगर हमारा यूथ स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ समाज की कल्पना जो है वो की जा सकती है, और स्वस्थ समाज की कल्पना तभी की जा सकती है जब हमारा युवा वर्ग उसकी जो सोच होगी वो सकारात्मक होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो भी डेलीब्रेशंस होंगी उन सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं, और जो भी विद्यार्थी जिनकी डेलीब्रेशन जो है वो प्रथम द्वितीय और तृतीय रहेंगी उनको हम इनामात भी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।